हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं लेके आया हूँ मोबाइल लवर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोबाइल में हमारे हम चार्जिंग पर लगाते हैं मोबाइल को, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आपका iOS हो, तो वो चार्ज नहीं होता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, वो चार्ज क्यों नहीं होता? मतलब चार्जिंग आप लगा देते हैं, चार्जिंग की साउंड आ जाती है, बट फ़ोन चार्ज नहीं होता। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, तो उसी का मैं आपको 7 सॉल्यूशंस बताऊंगा इस वीडियो में। 7 सॉल्यूशंस टू हैंडल चार्जिंग प्रॉब्लम इन बोथ एंड्रॉयड एज वेल एज योर iOS। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहला कारण जो आपके मोबाइल में अगर चार्जिंग नहीं हो रही है, तो उसका कारण हो सकता है कि आपकी चार्जिंग वायर खराब हो सकती है, अडैप्टर खराब हो सकता है सॉकेट वाला, जिसमें आपका चार्जर जो सॉकेट में डलता है। अब इन दोनों को चेक कैसे किया जाए? तो सबसे पहले चार्जिंग वायर को अगर आपने चेक करना है, तो आप अडैप्टर में से अपने चार्जिंग वायर को निकाल के कंप्यूटर के USB में, लैपटॉप के USB में डालें, ठीक है? सबसे पहले आपने ये करके देखना है। अगर इससे आपका काम हो जाता है, चार्जिंग शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब जो अडैप्टर है जिसमें आप सॉकेट में लगाते हैं वो खराब है, उसको बदलें, नंबर वन। और अगर अडैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद मतलब USB में लगाने के बाद भी अगर आपका फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब आपकी वायर में प्रॉब्लम है। तो इससे आपका बहुत ईजीली पता लगेगा क्या चीज़ आपने बदलनी है। या तो अगर वायर में प्रॉब्लम है तो वो लैपटॉप से भी चार्ज नहीं होगी, ठीक है? तो ये सबसे आसान तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि सेफ मोड को आप ऑन करें। आजकल सभी डिवाइसेस में सेफ मोड एंड्रॉयड में तो आ ही रहा है, तो सेफ मोड में जाएं। और सिंपल प्रोसेस, अगर आपकी वायर और अडैप्टर आपने चेक कर लिए हैं, तो सेफ मोड में उसको चेक करें। सेफ मोड का मतलब ये है कि उसमें जो आलतू फालतू आपने जो ऐप्स कर रखी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती सेफ मोड में। तो आप सेफ मोड में जब आप चार्जिंग अगर आपकी चालू हो जाती है, तो आपको बस याद रखना है कि कौन सी आपने थर्ड पार्टी की ऐप ऐसी कर ली है जो कि प्रॉब्लम कर रही है, तो वो आप उसको हटा सकते हैं। और सेफ मोड में अगर आपका चार्जिंग चल रही है, तो ये दूसरा आपका सोल्यूशन है सेफ मोड वाला। तीसरा आपका सोल्यूशन ये बनता है कि रीसेट योर फोन। मतलब कई बार क्या होता है, वैसे ही बग क्रिएट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चार्जर भी आपका ठीक है, अडैप्टर भी ठीक है, वायर भी ठीक है, ऐसी कोई थर्ड पार्टी की ऐप भी अभी नहीं गिरी हुई। वैसे ही जब आप रीसेट नहीं मारते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तब नहीं आती जब आप 2-3 दिन बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं पूरा, और फिर कंप्लीट 1 मिनट के बाद ऑन कर लेते हैं, तो उसे सारा जो सर्किट है उसका अपने फ़ोन के सारे पुर्जे रीसेट हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो अगर आप लगातार चार्जिंग करी जा रहे हैं फ़ोन को, कभी उसको रिफ्रेश नहीं किया, मतलब रीस्टार्ट नहीं किया, तब ऐसी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने चार्जिंग पे लगा दिया, सब कुछ ठीक है, फिर भी चार्ज नहीं होता है फ़ोन। तो उस केस में तीसरा आपका सोल्यूशन ये है कि जस्ट आपको रीस्टार्ट करना है फ़ोन। जब आपने सेफ मोड में भी करके देख लिया, वायरस भी आपने चेक कर ली, तीसरा आप रीस्टार्ट करें फ़ोन को। उसके बाद अगर प्रॉब्लम नहीं आती है, अब उसमें प्रॉब्लम आपकी आ सकती है कि आपके जो चार्जिंग पॉइंट है ये क्लीन नहीं है, इसमें कई बार मिट्टी फंस जाती है, तो इसके बीच में जब वायर डालते हैं तो करंट प्रॉपरली नहीं बनता, ओके? तो जब करंट प्रॉपर नहीं बनता है तो चार्जिंग कैसे होगी? तो फिर क्या करना है, आपने इसको साफ करना है। टूथपिक लें, बड़े प्यार से इसको धीरे धीरे साफ करेंगे टूथपिक से, और छोटे से ब्रश होता है काफ़ी बारीक वाला, तो टूथपिक से पहले करना है, फिर ब्रश से उसको क्लीन कर लेना है, और इससे आपका ये चार्जिंग पोर्ट क्लियर। इसको बड़े ध्यान से करना है, बड़े हल्के हाथ से। तो चार्जिंग पॉट की ये चौथा सोल्यूशन है, आपको अपना ये क्लीन कर लेना है। पांचवा ये होता है, कई बार आपके इसमें पानी चला जाता है, चाहे आपका फ़ोन वाटरप्रूफ है चाहे नहीं है उसका सवाल नहीं है, अगर चार्जिंग पोर्ट में पानी चला गया, जैसे हमारे ये आईफोन है, इसमें अगर पानी कई बार गलती से चला जाए, तो ये अपने आप ही यहाँ पर मैसेज आता है कि पानी है आपके पोर्ट में, इसको सुखाएं तब चार्जिंग हो। क्योंकि अगर पानी वाले पोर्ट में आपने लगा दिया पावर, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है फ़ोन को, ठीक है? तो पानी को कैसे करें, पानी को या इसको सीधा आप इन्वर्टेड करके, जिस तरह का पोर्ट है नीचे ही होता है मोस्टली, तो उसको इन्वर्टेड करके कहीं सेफ जगह पर रख दें, ताकि अगर पानी है तो नीचे धीरे धीरे चला जाए। या फिर आप इसको चावल के बॉक्स में डाल सकते हैं, उसमें भी ड्राइनेस आती है, उससे भी जल्दी गर्मी से सूख जाता है। तो
सूखने के बाद आपका वो प्रॉब्लम चला जाएगा जो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है गीले होने की वजह से इसमें, ठीक है। ये आपका पांचवा सोल्यूशन था। छठा सोल्यूशन ये है आपका फ्रेंड्स कि अगर आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली आपको उसका नाम है एम्पियर, क्योंकि ये किसको हटाता है सॉफ्टवेयर, बेसिकली एक कोई बार बग आ जाता है आपके किसी ऐप की वजह से जो कि आपको चार्जिंग फोन को ढंग से होने नहीं देता, तो एम्पियर एक आपकी एंड्रॉयड वालों के लिए, क्योंकि iOS तो अपने आप ही काफ़ी चीज़ें बता देता है, तो एंड्रॉयड वालों के लिए एम्पियर नाम की एक ऐप स्टोर पे ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें तो वो आपको एक तो चार्जिंग का स्टेटस पूरा बता देगी और ये बग्स जो ऐसे प्रॉब्लम करते हैं उसको ठीक कर देगी। तीसरा आपको बैटरी का स्टेटस भी बताती रहेगी कि कितनी आपकी बैटरी की परसेंटेज रह गई है, मतलब लाइफ बैटरी की कैसी है। तो एक एडिशनल ये ऐप है। तो ये आपका लास्ट सोल्यूशन है। तो ये सब जब आप फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। और इन सब के करने के बाद भी आपका नहीं हो पा रहा है प्रॉब्लम, तब आपका ये यहाँ पर एक नया चार्जिंग सॉकेट होती है वो रिप्लेस होगी। तो वो पॉइंट सबसे लास्ट में आता है। ये चीज़ अगर आप पॉइंट्स फॉलो कर लेंगे तो आपकी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली चली जाएगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर आप यहाँ तक देखें तो लाइक भी कर लें, और इसके अलावा आपकी कोई भी मोबाइल को लेके भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इस चैनल पे हम टेक ड्रोन्स की बात करते हैं और टेक की बात भी करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में किस में आप वीडियो चाहते हैं, किस प्रॉब्लम पे आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। इस पे बहुत क्वेश्चनिंग आ रही थी तो इसलिए मैंने ये बनाया। चाहे आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, जो भी है, उस पर ये एप्लीकेबल होगा। थैंक यू वेरी मच।